प्रकाश न्यूज गुजरात में तमाम दर्शक मित्रों हार्दिक स्वागत है। पिठड़िया खाते राष्ट्रधर्म विजय यात्रा नु भव्य स्वागत। राष्ट्र धर्म संस्कृति और पर्यावरण बाबते जागृति फैलावाना हेतु थी 19 सप्टेम्बर 2019 रोज मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर नजरनियाल आश्रम खाते श्री 108 अवधूत नर्मदानंदजी तेमज सेवकगण सहित द्वादश ज्योतिर्लिंग जवा निकळेली आ पदयात्रा 8 ज्योतिर्लिंग फरी सोमनाथ खाते जवा माटे जेतपुरना पिठड़िया खाते आवी पहुंची हती। श्रीराम टेकड़ी संत सेवा आश्रम पिठड़ियाना बाबा रामगोपाल दास जी द्वारा पिठड़ियामां भव्य स्वागत करवामां आव्यु हतु। रिपोर्टर धवल चितारा जेतपुर फास्ट न्यूज गुजरात। जी ये राष्ट्रधर्म विजय पदयात्रा है। वंदे मातरम। धर्म रक्षति रक्षत। यदि धर्म की रक्षा की जाती है तो धर्म निश्चित हमारी रक्षा करते हैं। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ हो करके द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत ये पद यात्रा है। सर्वप्रथम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाने से पहले ये यात्रा गंगोत्री धाम से 12 कलश में जल भर के प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पे एक गंगा जल के कलश से भगवान का अभिषेक हो और यात्रा सर्वप्रथम केदारनाथ, द्वितीय विश्वनाथ, तृतीय बैजनाथ धाम, चतुर्थ मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, पंचम ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, षष्ठम भीमाशंकर, सप्तम त्र्यंबकेश्वर और अष्टम ज्योतिर्लिंग घुष्णेश्वर धाम होकर के यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य सोमनाथ की ओर 9वें ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर होती हुई आज वीरपुर जलाराम बाबा के दर्शन कर ये जैतपुर गांव में पहुंची है। इस यात्रा के 3 उद्देश्य हैं, जल, जंगल और जीव। जल में नदियों का किस प्रकार से संरक्षण हो सके। द्वितीय, इस देश के अंदर जो प्रदूषण के कारण आज पर्यावरण के प्रति लोग सजग हों, इस उद्देश्य को लेकर के जन जन तक संदेश पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पर वृक्षारोपण हो। तीसरा उद्देश्य है गौ माता का रक्षण, जीव अर्थात गौ माता के रक्षण हेतु इस यात्रा को लेकर के हम लोग निकले हैं। और गौ माता इस देश की नहीं अपितु विश्व के लिए जितने यज्ञ, यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है और अन्न के बाद में प्राणी मात्र की रक्षा होती है। इसी उद्देश्य को लेकर के गौ माता का रक्षण हो, क्योंकि यज्ञ घी के द्वारा होंगे और घृत गौ माता से उत्पन्न होगा और गौ माता नहीं होगी तो घृत नहीं होगा और यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा अनियंत्रित होगी, क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में अनावृष्टि होती है, कहीं अधिक वर्षा है तो कहीं अकाल है, तो ऐसी स्थिति न बने इस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पदयात्रा 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 27 जनवरी 2021 में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्ण होगी। मेरे साथ सभी बंधु पैदल जो चल रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये जिन जिन लोगों ने इस यात्रा का सहयोग किया है, यात्रा 12 राज्य को पार करके आज आपके इस महानगर तक पहुंची है, सभी लोगों को, देशवासियों को मेरा एक ही संदेश है, अपना जन्मदिन हो या हमारी माता पिता की पुण्यतिथि हो या फिर आपकी शादी की सालगिरह, ऐसे शुभ अवसर पर एक वृक्ष लगाएं प्रत्येक वर्ष और इस वसुंधरा माँ को पर्यावरण से शुद्ध करने के लिए हम लोग सभी इकट्ठे होकर के ऐसे सुंदर कार्य करें। वंदे मातरम, जय हिंद। गुरु जी आपका नाम क्या है? श्री श्री नजरनियाल आश्रम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में मैं रहता हूँ। नित्यानंद आश्रम भारतवर्ष में MP में भी आश्रम है, गुजरात में भी है, गुजरात में खंबाद आदि जगह में आश्रम है। और नाम तो संतों का मुझे नर्मदानंद के नाम से जानते हैं, वैसे श्री श्री 1008 अवधूत